तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर दो फाइल्स हैं, दो फाइल्स का अगर डेटा हमें मर्ज करना हो तो उन दो फाइल्स का डेटा मर्ज कैसे करते हैं शॉर्टकट तरीके से कि वो बहुत जल्दी हो जाए। तो मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास ये दो फाइल्स हैं, इन फाइल्स का डेटा मर्ज करना, तो आप बेसिकली क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे डेटा अप्रैल तक का चाहिए इस फाइल का, तो आप क्या करोगे? इस फाइल को यहाँ से कॉपी करोगे, कंट्रोल सी करोगे, देन आके यहाँ पे आप पेस्ट करोगे। फिर इसके बाद अप्रैल के बाद का यहाँ से डेटा आप उठाओगे, इसको कंट्रोल सी करोगे, देन इसके यहाँ पे आके लास्ट में इसको यहाँ पेस्ट करोगे। लेकिन मैं बताऊंगा आपको इसमें शॉर्टकट तरीका, तो इसको मैं कंट्रोल जेड करके अंडू कर देता हूँ और चलिए देखते हैं शॉर्टकट क्या है। तो मेरे पास बेसिकली ये दो फाइल्स हैं, दो फाइल्स का डेटा मैं मर्ज करना चाहता हूँ किसी एक फाइल में। तो मैं क्या करूँगा, आप यहाँ पे देख रहे होगे एक लेफ्ट साइड में ऊपर क्लिप बोर्ड का ऑप्शन होगा, आप उस क्लिप बोर्ड पर क्लिक करोगे। क्लिप बोर्ड पर क्लिक करने के बाद आपका क्लिप बोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर मान लो मुझे ये डेटा चाहिए यहाँ से अप्रैल तक का, तो मैं यहाँ से इसको करूँगा अप्रैल तक सेलेक्ट, कंट्रोल सी करूँगा, और अप्रैल के बाद में मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल जुलाई का डेटा, अप्रैल के बाद का, सितंबर का, और फिर मैं कंट्रोल सी करूँगा और मैं यहाँ पे जाके कहीं बाहर क्लिक कर दूंगा, देन मैं पेस्ट ऑल कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देखो कि ये पूरा डेटा मेरा एक फाइल में ही आ गया, मुझे बार बार कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने एक बार में कॉपी कर लिया सबको और दूसरी जगह जाके मैंने पेस्ट कर लिया। अब इसी में क्या है, अब इसी में मुझे अगर डेटा चाहिए, जैसे मुझे कुछ दिसंबर का चाहिए, जुलाई का चाहिए और मई का चाहिए, तो आप कॉपी पेस्ट करोगे वैसे ही। तो इसमें आपको क्या करना है, मैंने दिसंबर सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कर लिया, मैंने जुलाई सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कर लिया, मैंने मई सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कर लिया। अब मैं यहाँ पे आके यहाँ पे आऊँगा और मैं इसको पेस्ट ऑल कर दूंगा, तो मेरे पास ये 3 मंथ्स का यहाँ पे डेटा आ गया। तो इस तरीके से आप दो फाइल्स को मर्ज कर सकते हो। तो कितनी भी ज़्यादा फाइल्स हो, मान लो आपके पास सही 500 नेम है, आपके पास 500 नेम है और 500 नेम में आपको 50 नाम निकालने, तो आप मतलब अगर अपने तरीके से करोगे तो क्या होगा, 50 नाम को कंट्रोल सी, फिर वहाँ कंट्रोल वी करोगे, तो यहाँ पे क्या आप क्लिप बोर्ड को ओपन करोगे, केवल कॉलम सेलेक्ट करोगे उन 50 नाम का सेलेक्ट करके और किसी एक फाइल में जाके मर्ज कर दोगे, तो वहाँ पे वो हो जाएगा पेस्ट। तो ये है एक शॉर्टकट तरीका। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।